पीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह घोघामेड़ी हत्या के बाद जारी प्रदर्शन बुधवार देर रात खत्म हुआ। घोघामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने मामले को लेकर धरना समाप्त करने की घोषणा की। प्रशासन से बातचीत सफल रहने के बाद मेट्रोमास हॉस्पिटल में शव को सवाई मानसिंह चिकित्सालय की मोर्चरी में ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा किया गया। आज अंतिम संस्कार से पहले घोघामेड़ी की शव को राजपूत सभा भवन में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। वहीं घोघामेड़ी हत्याकांड में पुलिस ने 72 घंटों में शूटरों को पकड़ने का आश्वासन दिया। जांच के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आनंदपाल एनकाउंटर टीम के अधिकारी शामिल किए गए। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस की विशेष टीम जयपुर, नागौर और हरियाणा में कई जगह तलाश में दबिश दे रही है। सोशल मीडिया पर घोघामेड़ी हत्याकांड को लेकर दो गुटों के बीच रंजिश की वजह सामने आ रही है। इस मामले में एक प्रतिष्ठित राजनेता के पुत्र का नाम भी चर्चा में आया, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। शाहपुरा में आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त एक जीवनदायिनी अमृत समान है, क्योंकि रक्त किसी फैक्ट्री में निर्मित नहीं किया जा सकता, अतः रक्तदान सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। ये बात शाहपुरा जिला कलेक्टर टीकम चंद बोरा ने कही। बुधवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिनिर्माण दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शिविर को संबोधित किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर बोरा ने बताया कि देश भर में प्रतिदिन करीब 12,000 से अधिक मौतें रक्त के अभाव में हो जाती है। दुर्घटनाओं व अन्य बीमारियों से ग्रसित रोगियों के लिए प्रतिदिन देश में 14 मिलियन यूनिट रक्त आवश्यक होता है। ऐसे में रक्तदान शिविरों की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। स्वयं निर्मित काव्य रचना के माध्यम से रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाते हुए बधाई भी दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर बोरा ने शाहपुरा जिला चिकित्सालय में भी शीघ्र ही रक्त यूनिट शुरू करवाने की बात कही। गवाल बस स्टैंड के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के साथ मारपीट की गई। बजरी रॉयल्टी ठेकेदार के कर्मचारियों ने खुलेआम गुंडागर्दी। हमले में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक गंभीर घायल हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस के सामने बजरी ठेकेदार के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की। सूचना मिलते ही बरलूर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों की ग्रामीणों से समझाइश की। मकराना शहर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय FLN प्रशिक्षण का आयोजन किया। शिविर व्यवस्थापक अब्दुल रऊफ ने बताया कि शिविर में 74 शिक्षकों ने भाग लिया। FLN अर्थात बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान राष्ट्रीय मिशन है। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 है, जिसे निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 2021 में शुरू किया था। दक्ष प्रशिक्षक दलीप सिंह शेखावत ने शिक्षकों को FLN के उद्देश्य से अवगत करवाते हुए कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे खेल, कहानी, गतिविधि, स्थानीय कला व संगीत के माध्यम से आनंदपूर्वक तरीके से सीखे। इसमें बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त होगी। शिविरों के उपरो प्रधानाचार्य अब्दुल वाहिद खिलजी, रामनिवास किरडोलिया, रामेश्वर लाल डुडी व कैलाश चंद बिश्नोई भी संबोधित किया। बंदायों में आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर भारत के संविधान रचयिता परम आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब पर बाबा पर निर्वाण दिवस मनाया। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके उपरांत सभी कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओमकार सिंह के नेतृत्व में गद्दी चौक स्थित अम्बेडकर पार्क पर पहुंचे।
गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर ओमकार सिंह ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान भारत देश का बनाया, लगभग वही बातें कांग्रेस ने अपने संविधान में भी कही। और आज हम सबको उनके निर्माण दिवस पर यही शपथ लेनी चाहिए कि हम लोग बाबा साहब को बताए हुए सिद्धांतों पर चलते रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य मोनालाल सागर ने कहा कि आज बाबा साहब के परिनिर्माण दिवस पर हम सबको देश के संविधान की रक्षा के लिए सौगंध लेनी चाहिए। रेवत रेड्डी गुरुवार को लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण गुरुवार को दोपहर 1:04 पर निर्धारित की गई है। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेतृत्व ने मंगलवार को रेवत रेड्डी को कांग्रेस विधायक दल का नेता और तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था। बुधवार को रेड्डी ने लोकसभा में अपना इस्तीफा देने के बाद खड़गे और सोनिया गांधी से मुलाकात की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक रेवत ने ममता बनर्जी और एम के स्टालिन सहित कई इंडिया ब्लॉक नेताओं को फोन किया। हालांकि ममता ने अन्य व्यवस्थाओं के कारण समारोह में शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा फ्लोर नेता डेरेक ओब्रायन को समारोह में भाग लेने के लिए हैदराबाद जाने के लिए नियुक्त किया। तमिलनाडु में बाढ़ के कारण स्टालिन की उपस्थिति भी अनिश्चित है। रेवत ने सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी को भी फोन किया। सूत्रों ने कहा कि निमंत्रण सीपीआई महासचिव डी राजा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य साथ साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गाजा पर निर्मम तरीके से जारी बमबारी और आलोचना करते हुए गुरुवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य होने के नाते यह भारत का कर्तव्य है कि वो सही का साथ दे और जल्द से जल्द संघर्ष विराम सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करे। कांग्रेस महासचिव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत हमेशा सही के साथ खड़ा हुआ है और आजादी के लिए फलिस्तीनी लोगों के लंबे संघर्ष की शुरुआत से उनका समर्थन करता रहा है। खाद्य आपूर्ति की किल्लत, चिकित्सा सुविधाओं को नष्ट कर दिया, मूलभूत सुविधाओं को भी बंद कर दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमेशा सही के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि हमने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार के खिलाफ प्रतिबंधों के लिए लड़ाई लड़ी, हमने फलस्तीन में आजादी के लिए अपने भाइयों और बहनों के लंबे संघर्ष की शुरुआत की, उनका समर्थन किया और अब हम धरती में उनका नामो निशान मिटाने के लिए नरसंहार को लेकर कुछ नहीं कह रहे, प्रियंका ने कहा। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों का एक सदस्य होने के नाते भारत का कर्तव्य है कि वो सही का साथ दे। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द संघर्ष विराम सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मीडिया में आई खबरों में हमास शासित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया गया है कि मृतकों की संख्या 16,200 को पार कर चुकी है और 42,000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।